संक्रमण की भयावहता के बाद प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि वह लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करे, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर लोग भी जागरूक हो गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार वैक्सीन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय नगर भवन में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वहां वैक्सीनेशन न होने के कारण कुछ दिनों से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने बुधवार को नगर भवन के समीप सड़क पर जाम कर अपना विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज जाता है कि आइए और नजदीकी सेंटर में वैक्सीन ले लीजिए, लेकिन जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां ज्ञात होता है कि वैक्सीन तो है ही नहीं। ऐसे में पिछले तकरीबन 5 दिनों से सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके परेशानी पर कोई भी पदाधिकारी पहल नहीं कर रहा। लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन मनमाने ढंग से केवल कुछ लोगों को ही वैक्सीनेट कर रहा है, क्योंकि मंगलवार को पहले यही कहा गया था कि वैक्सीन नहीं है, और जब लोग चले गए तो कुछ ही घंटों बाद फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। सड़क जाम के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुरुषों तथा महिलाओं ने जमकर प्रशासन विरोधी नारेबाजियां भी की। वैक्सीन के लिए क्यों, क्या हुआ? 4 दिन से दौड़ा रहा है, नहीं दे रहा है। परसों आइए, कल आइए, 4 दिन के बाद नहीं देंगे, नहीं देंगे। आई चुतिया बनाकर भाग जा रहा है। कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग नई बाजार से आए हैं और देहात से भी आए हैं। हमको वैक्सीन चाहिए। क्यों नियम कानून लगाया, क्यों नियम कानून का लंघन कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? सीताराम सिंह यादव।